नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूब नॉलेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मात्र 5 मिनट में आप 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऑनलाइन फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको भी लोन की आवश्यकता है तो दोस्तों आप फ्लिपकार्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है उससे आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और आपके पास में एक मोबाइल होना चाहिए जिससे कि आप फ्लिपकार्ट पर लोन के लिए अप्लाई कर सकें। और दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको मात्र 5 मिनट के भीतर ही आपको 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। दोस्तों लोन की जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर आपने पहले से किसी कंपनी से लोन ले रखा है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, कोई भी इंस्टॉलमेंट आप ड्यू नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसमें आसानी से 1 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा का जो लोन अमाउंट है वो आपको मिल सकता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों अगर आपको भी फ्लिपकार्ट से लोन लेना है तो कैसे लेना है इसके बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस रियल ट्यूब नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके आप न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि फ्लिपकार्ट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उससे हम लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाकर आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो अपनी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो 3 टैब बटन है ऊपर लेफ्ट साइड, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका जो अकाउंट्स है उसमें आपको चले जाना है। माई अकाउंट्स में आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके जो पेन नंबर हैं वो यहाँ पर डालने हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पे सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो पेन है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको आपका आधार नंबर वेरीफाई करवाना है। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपको एक OTP जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएंगी वो आपको यहाँ पर डालने हैं और वेरीफाई कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपने आधार को वेरीफाई कर देते हैं आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों अगले पेज में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आई एग्री टू, यानी कि आप फ्लिपकार्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको आपको यहाँ पर फॉलो करना है, यानी कि आपको स्वीकार करना है और आगे की तरफ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आई एग्री पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन राजेश, तो यहाँ पर मेरा जो लोन अमाउंट है वो 1000 रुपये यहाँ पर रखा गया है। जैसे जैसे दोस्तों मैं इसका यूज़ करूँगा और उसका जो पेमेंट है वो टाइम पर करता रहूँगा तो ये अमाउंट आगे जाके इंक्रीज होगा और ये आगे मुझे 1000 की बजाय 10000 या 20000 रुपये तक का मैं इसमें जो लोन है वो ले सकता हूँ। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल मैंने किसी भी अदर जो कंपनीज या बैंक हैं उनसे कोई लोन नहीं ले रखा है, इसीलिए मेरा जो क्रेडिट स्कोर है अभी तक नहीं बना है। ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने लोन अप्लाई किया था और मुझे मिल गया है 1000 रुपये का। लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़ी अमाउंट चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप जब भी लोन लें तो यहाँ पर उसको टाइम से पे करें जिससे कि आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छी होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जब लोन लेंगे तो वो किस बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, यानी कि आप जब भी लोन लेंगे या आप कोई शॉपिंग कर लेंगे फ्लिपकार्ट से तो वो जो पेमेंट है वो आप कैसे रीपेमेंट करेंगे, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपके अकाउंट नंबर है बैंक अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट्स की यहाँ पे डिटेल्स डाल दी है। दोस्तों अब अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद में आपको कंफर्म कर देना है, उसके बाद में दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा रीपेमेंट के लिए, यानी कि आप जो भी लोन लेंगे तो उसके इंस्टॉलमेंट हैं वो इस अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर हम ओके करते हैं तो हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट की जो ऑफिशियल पेज है उस पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हमें वापस से जो माई अकाउंट है उस पर आना है,
वहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको वापस से जो पे लेटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्लिपकार्ट पे लेटर, उस पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का लोन यहाँ पर आपको ऑफर कर दिया गया। तो दोस्तों हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से जो लोन अमाउंट 1,000 रुपये का सेंक्शन किया गया है आधार केवाईसी के थ्रू, हम उसका यूज़ ले सकते हैं कोई भी फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेज करने में। तो यहाँ पर चेक करने के लिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हम जब भी बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपकी साइज़ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर समरी, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी पेमेंट पेज आता है तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दिखाई देगा जिससे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको मिल गया है फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो हम जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे अकाउंट में क्योंकि 1,000 रुपये का हमें लोन दिया गया है तो और हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे जो भी अमाउंट सेक्शन किया गया था उसमें से ये 460 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ से आसानी से परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आसानी से आप इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और हम वापस अपने जो अमेज़ॉन पे लेटर अकाउंट है वहाँ पर आकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लिपकार्ट का मुझे 1,000 रुपये का लोन सेंक्शन किया गया था उसमें से 419 रुपये यहाँ पर जो मैंने यूज़ कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट को परचेज़ करने में एक भी पैसा नहीं देना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से 1,000 रुपये का लोन सेंक्शन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो यहाँ पर पेमेंट लिया था, यहाँ पर जो लोन लिया था वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे पेमेंट कर सकता हूँ कभी भी। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे पे करना हो तो मैं यहाँ पर आऊँगा, डायरेक्ट पे पर क्लिक करूँगा और मैं इसे अपने किसी भी पेमेंट मेथड फ़ोनपे यूपीआई नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किसी भी पेमेंट मेथड से मैं इसको पेमेंट कर सकता हूं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर आप भी फ्लिपकार्ट से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बस आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट। अगर दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर नहीं भी है तो भी आप ज़्यादा अमाउंट लोन ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको बार बार फ्लिपकार्ट पे लेटर से परचेज़ करना होगा और जिस जिस आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहेंगे आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक ला पाएंगे। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।